बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक काले बंदर का खौफ था। वह बंदर रात होते ही गांव में आता और जो भी व्यक्ति अपने घर की छत पर सो रहा होता वह उसे जख्मी करके वहां से भाग जाता था। फिर एक दिन चमन जंगल से गुजर रहा होता है, तभी काला बंदर उस पर हमला कर देता है। अरे बाप रे, ये काला बंदर कहां से आ गया? अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो। फिर वह जोर जोर से भागने लगता है और भागता भागता अपने घर के अंदर घुस जाता है। अजी क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे थे? अरे क्या बताऊं, आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज मेरा सामना उस काले बंदर से हो गया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के आया हूँ। तुम जल्दी जाओ और दरवाजा बंद कर दो, कहीं मेरा पीछा करते करते वो काला बंदर यहाँ ना आ जाए। फिर उसकी पत्नी जाती है और सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देती है। फिर वह काला बंदर चमन का पीछा करते करते गांव में पहुंच जाता है और अपने शिकार की तलाश करने लगता है। गांव वाले उसे छुप छुप कर देखते रहते हैं। अरे बिमला देखो, ये वही काला बंदर है जिसका खौफ पूरे गांव में है। अजी इसके पंजे तो देखो कितने बड़े हैं। मुझे नहीं लगता इसके हमले से कोई भी बच पाएगा। तुम जल्दी जाओ और घर के अंदर अंधेरा कर दो, कहीं इसकी नजर हम पर पड़ गई तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर उसकी पत्नी जल्दी से जाती है और पूरे घर के सारे दीपक बुझा देती है और वह उसे छुप छुप कर देखने लगते हैं। वह काला बंदर इधर उधर अपने शिकार की तलाश करता रहता है और तलाश करते करते वह एक घर की छत पर चढ़ जाता है। वहाँ राजेश और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, तभी वह चिंघाड़ने लगता है। तभी राजेश की नींद खुलती है। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है, हे भगवान हमें बचाओ। अरे भगवान जल्दी उठो, देखो तुम्हारे मायके से कोई मिलने आया है। तभी उसकी पत्नी की नींद खुलती है, वह उस काले बंदर को अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अजी ये क्या चीज है, अरे मर गए रे, हे भगवान हमें बचाओ। तभी वह काला बंदर जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है। फिर वह दोनों जल्दी से अपने घर की छत से नीचे उतरते हैं और अपने कमरे के अंदर जाकर छुप जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। मैंने तुमसे कहा था ना, इस गांव में काले बंदर का खौफ है, हमें छत पर नहीं सोना चाहिए। आप सही कह रहे थे, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। फिर अगले दिन सुबह होने पर, चमन भाई कल तो मैं और मेरे बीवी बाल बाल बच गए। उस काले बंदर ने रात को हमारे ऊपर हमला कर दिया था। हम दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। यार राजेश, काले बंदर के हमले तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं, लोगों में इसका खौफ बहुत बहुत बढ़ गया है। तुम्हें पता चला, हरिया और मोहन तो अपना मकान बहुत ही कम कीमत पर बेचकर शहर चले गए हैं। भाई मैं भी अब इस गांव में नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या करूं, इस काले बंदर के खौफ के कारण जमीन की कीमतें आधी से भी कम हो गई हैं। हम सब गांव वालों को मिलकर मुखिया के पास चलना चाहिए ताकि वो इस समस्या का कोई समाधान निकाले। तुम सही कहते हो भाई, चलो हम अपने साथ कुछ गांव वालों को भी ले चलते हैं। मुखिया जी, आपको तो पता ही है पूरे गांव में काले बंदर का खौफ बना हुआ है और गांव के लोग अपनी जमीनों को आधे से भी कम दामों में बेचकर ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में ये गांव खाली हो जाएगा। आप जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालें। तुम सही कहते हो भाई, हमें इस काले बंदर का सामना करना ही पड़ेगा। मुखिया जी मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम में से कोई व्यक्ति काले बंदर का भेष बदल ले और उसका सामना करे। हो सकता है वो अपने सामने अपने से ज्यादा बड़े काले बंदर को देखकर डर जाए। लेकिन बल्लू भाई, वो बंदर लंबाई में हमसे दो गुना बड़ा है, अगर हम उसका भेष बदल भी लें तो उससे छोटे ही दिखाई देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम दो लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें तो हम उस काले बंदर से भी ऊंचे हो सकते हैं।
अब हमें ये सोचना है कि वह दो लोग कौन होंगे जो उस काले बंदर का सामना करेंगे। सब गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन काले बंदर का सामना करने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। चमन और राजेश, तुम दोनों ने उसका सामना पहले भी किया हुआ है। मुझे लगता है तुम दोनों इस काम के लिए सही रहोगे। अरे मर गए रे, ये मुखिया तो मेरी जान लेकर ही रहेगा। मुखिया जी, बल्लू की तरकीब तो सही है, लेकिन वो काला बंदर हमसे नहीं डरा और उसने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? तुम घबराओ मत, जब तुम उस काले बंदर का सामना करोगे तब सब गांव वाले वहीं आसपास छुपे रहेंगे। अगर उस काले बंदर ने तुम पर हमला कर दिया तो सब गांव वाले मिलकर तुम दोनों की जान बचा लेंगे। ऐसा है तो ठीक है मुखिया जी, हम तैयार हैं उस काले बंदर का सामना करने के लिए। फिर रात होने पर बल्लू, चमन और राजेश को एक के ऊपर एक खड़ा करवा कर उनके ऊपर काले बंदर की खाल चढ़ा देता है। अरे वाह चमन और राजेश, तुम दोनों तो उस काले बंदर से भी बड़े लग रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तरकीब जरूर काम करेगी। भाई बिल्लू, अगर वो काला बंदर हमसे नहीं डरा तो क्या होगा? अरे यार तुम घबराओ मत, बस जैसे ही वो काला बंदर तुम्हारे सामने आए तो तुम जोर जोर से आवाजें निकाल कर उसे डराने की कोशिश करना। फिर वे दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। रात के समय जंगल बहुत डरावना हो जाता है। चमन भाई, मुझे तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो काला बंदर सामने आ जाए तो तुम संभाल लेना। तुम मत घबराओ, जो होगा देखा जाएगा। फिर थोड़ी दूर जाने पर उनका सामना उस काले बंदर से हो जाता है। राजेश भाई, वो काला बंदर तो हमारे सामने ही खड़ा है, अब क्या करें? भाई जोर जोर से आवाजें निकालो ताकि वो डर जाए। ए बंदर, मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मर गए रे, ये काला बंदर कहाँ से आ गया? हे भगवान, मैंने तो काले बंदर का भेष पहना हुआ है, लेकिन ये तो सच में काला बंदर है। ये तो मुझे एक ही वार में मार देगा, अब मैं क्या करूं? राजेश भाई, जोर जोर से आवाजें निकालो, मुझे लगता है हमारी तरकीब काम कर रही है। अरे मर गए रे, ये तो सीधा यहीं आ रहा है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो रे, हाय आज तो मैं मरी गया, ये काले बंदर का भेष बदलना तो मुझे महंगा पड़ गया। फिर वह काला बंदर भागते भागते एक पत्थर से टकराता है और गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है उसका मुखौटा उसके सिर से निकलकर गिर जाता है। अरे मर गया रे, हाय रे, मर गया। तभी चमन और राजेश भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बंदर भाई, मुझे माफ कर दो, मैं कोई काला बंदर नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। मुझे तो शहर के एक सेठ ने पैसे दिए थे ताकि मैं सब गांव वालों को काला बंदर बन के डराऊं और उनमें इतना खौफ भर दूं कि वो अपनी जमीन को आधे दामों में सेठ को बेच दे। मुझे माफ कर दो। अरे राजेश, ये काला बंदर नहीं है, ये तो कोई बहुरूपिया निकला। फिर चमन भी अपना मुखौटा उतार देता है। वह बहुरूपिया चमन को देखकर हैरान रह जाता है। हाय रे, ये क्या तुम भी बहुरूपिये हो? हाँ, मैं भी कोई काला बंदर नहीं हूँ, हम तो बस तुम्हें यहाँ से डराकर भगाने आए थे, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लालच में किया। मैं इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। तभी वहाँ सब गांव वाले भी पहुँच जाते हैं। वे उस बहुरूपियों को देख कर दंग रह जाते हैं। अरे ये तो कोई बहुरूपिया है जो काला बंदर बनकर हमें डराता था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर सब गांव वाले खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं।